बात बताइए, आज जो सबका साथ सबका विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए कितना आपके मध्य प्रदेश में है वो बताएं। एमपी के अंदर, एमपी के अंदर सर कुछ नहीं है, क्योंकि हमने 5 महीने 9 दिन पैदल चल करके मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड और बघेलखंड और गोलवाना क्षेत्र में देखा हूँ कि आज भी 1000 आदमियों की बस्ती है, उसमें एक ही या दो ही हैंडपंप है। और शहर में देखा हूँ कि हर घर में नल भी नगर निगम से जाता है और प्राइवेट भी उनके बोर हैं। और जहाँ रही उच्च शिक्षा की बात, तो उच्च शिक्षा भी गांव में 1000 की बस्ती में 5 ही 6 ही लड़के पढ़े लिखे सक्षम है, बाकी सब बेरोजगार और अशिक्षित परिवार। विकास की अगर बात की जाए तो दीवारें फटी हुई हैं और घर गिरने के कगार पे हैं। जो विकास की बात करते हैं मोदी जी, तो गांव में जो विकास है वो बिल्कुल जीरो है। शहर में 5 मंजिले की इमारतें हो जाती हैं, पर गांव में अभी दलित आदिवासी के झोपड़े ख़त्म नहीं हो रहे। रोड फोर लाइन की बनाई जाती है, पर आज भी दलित आदिवासी बस्ती में निकलने के लिए जगह नहीं, रास्ते नहीं बने हुए। तो हम ये मानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा घनी आबादी गांव में होती है, शहर से दूर 25-50 किलोमीटर के इर्द गिर्द होते हैं, 100 किलोमीटर के इर्द गिर्द होते, तो पहले गांव का जब विकास हो तब तो विकास माना जाए। खाली शहर भर में 4 लाइन पक्की दीवार और 4 आदमी को नौकरी दे देने से विकास नहीं कहलाएगा। भारत देश की सबसे ज़्यादा आबादी गांव में रहती है। मध्य प्रदेश के गांव में आज भी हम लोग तेंदू पत्ता तोड़ के खाते हैं, आज हम लोग महुआ बीन कर बेचते हैं तब खाते हैं, मिट्टी आज भी खोदते हैं तब खाते हैं। कटाई करने अगर बाहर न जाए, बीना गुरई सूरत गुजरात अगर बाहर, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश आज 50% आबादी पलायन करके अपना जीवन यापन कर रही है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि आज मोदी जी बन करके आज हमारा विकास कर रही है। आज जो डिजिटल इंडिया का सपना है वो कहाँ तक पूरा हो गया? मध्य प्रदेश में अभी भी कहीं नहीं है। जो पूंजीपति ठेकेदार हैं शहर में 2-4 बिल्डिंगें बना रहे हैं, वो भी उसमें ईंटा ऐसी ईंटा लगा रहे हैं जो उस ईंटे में दम नहीं है। डिजिटल इंडिया तब बने जब गांव का बिल्डिंग तैयार हो जाए, तब तो डिजिटल इंडिया बोला जाए। गांव में वैसे भी 4 मकान पक्के बने हुए हैं, 10 मकान पक्के बने हुए, बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उन्हीं को गिराकर पुनः उन्हीं को डबल इमारत किया जा रहा है। और गांव का व्यक्ति जो दलित आदिवासी गरीब तबके के व्यक्ति हैं, आज भी वो झोपड़े का नसीब उसे छूटा नहीं जा रहा है। तो हम ये डिजिटल इंडिया जब गांव में बनाएं तब माने कि हाँ सही तरह से विकास। आपसे छोटू जी जो एमपी से थे, जिन्होंने बताया कि डिजिटल इंडिया का सपना बोलने से पूरा नहीं होता है, उसके लिए हमें ज़रूरत है गांव के अंदर विकास करने की। जो विकास आज भी तरस रहा है विकास की नज़रों को देखने के लिए कि कहां पर है विकास, तो भी उस विकास को तेज करने के लिए सरकार को अपनी मुहिम और ज़्यादा तेज़ करनी पड़ेगी। ऐसे में से बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।